भाई देखो स्ट्रीट पे ये दाल खिला रहे हैं, बिल्कुल भी पानी वाली दाल नहीं है। बहुत बार लोग कहते हैं गाढ़ी दाल खिला रहे हैं। हाँ, और एक बार 78 बाप रे, 78 साल के ये दादाजी, और देखिए जज्बा काम करने का। और इस एज में तो लोग घर बैठ जाते हैं, कहते काम नहीं करना, बैठ जाएंगे तो हमारा बेकार हो जाएंगे। इससे आप आते हो यहाँ पे बैठ के काम करते हो अपना, तो पूरा दिन भी आपका रहता है, कट जाता है। उसके अलावा ये 7 दिन मिलता है। हेलो बुकड़ो, कैसे हैं आप सब? तो आज फिर हम एक स्ट्रीट के सफर में निकले थे और हम पहुंच गए आशियाना में, और मेरी नजर पड़ी इन पापा जी पे। इनके फूड स्टॉल का नाम है पापा जी दाल चावल वाले। तो हमने सोचा यहाँ पे जाते हैं, इनसे बात करते हैं और देखते हैं। तो मुझे बहुत बूढ़े बुजुर्ग दिख रहे हैं, तो कभी भी कोई बूढ़ा बुजुर्ग ऐसे स्ट्रीट पे आपको दिखता है तो वहाँ पे जरूर जाए। अभी इनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं ये कैसे यहाँ पे, कितने साल से लगा रहे हैं, कैसे ये आइडिया आया। बहुत लंबी बात करूंगी, और प्लीज ऐसी जगह पे कभी भी जाना तो एक बार जरूर रुकना, जैसे कि मैं रुक गई हूँ। तो चलो बात करते हैं इनसे सीधे। तो सबसे पहले पापा जी दाल चावल वाले, तो ये पापा जी दाल चावल के नाम से क्या खिलाते हैं लोगों को? दाल चावल है और दाल चावल है, उसके अलावा क्या है? रोटियां हैं और कड़ी भी है, और इसमें क्या है? कड़ी है, इसमें दाल है और इसमें चावल है। ये चावल है। तो आप कितने साल से लगा रहे हो यहाँ पे? 12-13 साल से। तो सुबह कितने बजे आ जाते हैं आप? 10 सुबह 10 बजे आ जाते हैं। कभी कभी ये बंद भी रहता है, जैसे कि मैं निकलती हूँ घर में कोई काम पड़ जाए तो ये सारा खुद से तैयार करते हैं? कौन रहता है साथ में? वाइफ बनाती हैं। आप दोनों लोग, आपके बच्चे कितने हैं? 4 बच्चे हैं, 3 लड़की हैं, ब्याही हुई हैं, सबकी शादियाँ हो गई हैं। आप और एक लड़का है, तो लड़का क्या करता है आपका? बैंक में है। तो नहीं, बैंक में नहीं। हाँ, वैन। अच्छा, वो स्कूल वाली वैन चलाते हैं। तो उसके अलावा सुबह सारी तैयारी खुद से करते हैं आप दोनों लोग मिलके? चावल वगैरह, दाल वगैरह, बिल्कुल देसी खाना लोगों को खिलाते हैं। और यहाँ पे आप पिछले, और रहते कहाँ पे आप? सेक्टर डी में रहते हैं। और ये सेक्टर जी में, और ये देख रहे होंगे आप गुरुद्वारा। जैसे ही आप आओगे आशियाना में दिखेगा आपको पेट्रोल पंप के बगल में गुरुद्वारा, और गुरुद्वारे के पास में ये छोटा सा स्टॉल मिल जाएगा पापा जी दाल चावल वाले के नाम से। तो आप यहाँ पे आके एक बार जरूर ट्राई करना। अच्छा, दाल चावल कितने का देते हैं आप? 20 रुपए का। और रोटियाँ? 20 की 4 रोटियाँ। सुबह कितने बजे आते हो आप? सुबह 10 बजे आ जाते हो और शाम को 4 बजे तक रहते हैं। सुबह 10 से 4 बजे तक ये खाना मिलता है। दाल चावल 20 रुपए का देते हैं दाल चावल, अगर रोटी कोई खाना चाहे 4 तो 20-40 रुपए में टोटल। और उसके अलावा कढ़ी कितने में देते हैं? 7 में ही दाल चावल की कढ़ी 7 में फ्री मिलती है। भाई साहब, इतना सस्ता सामान और साथ में आलू भी। जो 20 रुपए का आप कढ़ी चावल देते हैं या दाल चावल, उसमें आलू भी रहता है और मिर्ची भी रहती है और सलाद भी रहता है, तो इतना सस्ता कैसे खिला रहे लोगों को? मांगने वाले 10 रुपए का मांगते हैं। हाँ, मुझे तो लगता है कि जो लोग इतना सस्ता खाना, बताइए कई ग्राहक तो बिल्कुल परमानेंट है, हम एक दिन नहीं लगाते हैं घर में। हाँ, तो जैसे कि घर पहुंच जाते होंगे तो पूरा सही बात है। एक बार कढ़ी दिखा देते हैं लोगों को। ये देखिए कढ़ी, ये कढ़ी वो वाली है पूरी विदाउट प्याज और लहसुन के है। प्याज होता है, हींग पड़ती है, और ये पकौड़िया छोटी छोटी अजवाइन उससे ये बनाते हैं। ये कढ़ी है जो देखने में बहुत अच्छी, और दाल दिखा दीजिए एक बार। भाई देखो स्ट्रीट पे ये दाल खिला रहे हैं, बिल्कुल भी पानी वाली दाल नहीं है। बहुत बार लोग कहते हैं गाढ़ी दाल खिला रहे हैं। हाँ, और एक बार चावल भी दिखा देते हैं। तो ये चावल देखिए, ये चावल यहाँ पे देते हैं। उसके अलावा रोटियां एक बार दिखा दो, रोटियां इसमें बना के लाते हैं। अच्छा, रोटियां खत्म हो गई है तो ये रोटियां इस तरीके की बना के लाते हैं। सुबह रोटियां सब बना लेते हैं। तो कभी आपकी जो वाइफ है वो कभी नहीं आती यहाँ पे? कभी नहीं। अच्छा, एक बात पूछूं, आपकी उम्र कितनी हो रही होगी? 70 के ऊपर है आप? 78 बाप रे, 78 साल के ये दादाजी, और देखिए जज्बा काम करने का। और इस एज में तो लोग घर बैठ जाते हैं, कहते काम नहीं करना, बैठ जाएंगे तो हमारा हाथ पैर बेकार हो जाएंगे। इससे आप आते हो यहाँ पे बैठ के काम करते हो अपना, तो पूरा दिन भी आपका रहता है, कट जाता है। उसके अलावा ये 7 दिन मिलता है।
नहीं भी लगता है। हाँ घर में कोई काम पड़ जाए, मरना जीना है सब। हाँ कुछ काम जिम्मेदारियाँ है तो नहीं आते, वरना ये और पिछले ये 15 साल से यहीं पे लगा रहे हैं भाई। तो पापा जी के दाल चावल का अभी हम दाल चावल खा के देखते हैं और कढ़ी लेंगे, बढ़िया निकलवाएंगे अपने लिए, और दादा जी से और भी बात करेंगे। तो भाई देख लो, कढ़ी दे दीजिए कढ़ी। तो हम अपने लिए कढ़ी निकलवा रहे हैं, बहुत दिन से हमने कढ़ी नहीं खाई है। मिर्ची भी है बकायदा। वाह भाई वाह। आलू की सब्जी देते हैं इसमें, आलू की सब्जी भी भाई है, ये देखो। कढ़ी चावल लिया है, साथ में हमें आलू की ये सब्जी भी मिली है, ये देखो। पैसा वसूल है, और अगर कभी भी आशियाना आते हो तो एक बार उठ के दादाजी के पास जरूर आइएगा। 78 ईयर्स में काम कर रहे हैं, ये जज्बा अगर आप हम में सब में आ जाए तो मज़ा आ जाए। और जब भी निकलिएगा तो ज़रूर आइएगा एक बार। खैर मुझे बहुत मज़ा आई, बहुत ही बढ़िया जगह है, आप भी आना। और ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। याद है फेसबुक वालों फॉलो कर लो, बड़ी मेहनत लगती है ऐसे कॉन्टेंट बनाने में। मेहनत से अच्छा लगता है कि तरीके का खाना में खाने को मिलता है, जो कि बहुत ही बढ़िया है भाई। मज़ा आ गई, मुझे लोग भी खा रहे हैं, तो लोग आते हैं, इनके बने हुए कस्टमर हैं, ये खाने में लाते हैं, दाल चावल सब कुछ रहता है। तो भाई ज़रूर आओ, ज़रूर आओ, ज़रूर आओ, ये टेस्ट करना तो बनता है। और हम मिलेंगे किसी और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। आप सुनना ध्यान रखिए, मिलते हैं जल्दी किसी और नए वीडियो में, तब तक।